चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। एक मिसाल बनी हुई है हिंदू मुस्लिम एकता की, उसको कायम रखें। कोई भी जीत जावे, सब जो भी जीतेगा वो इंशाल्लाह कस्बे के लिए कुछ ना कुछ बेहतराई करके लेगा। कि कल में एजुकेशन पे पहली बार बात हो रही है और हमें एक एजुकेटेड अगर लीडर मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो उनके एजेंडे होंगे वो भी पढ़े लिखे होंगे। कि वोट जो देनी वो पढ़े लिखे को देख के ऐसे को दो जो कान लेगा चौमुखी विकास करा थे। नमस्कार साथियों, सीसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जिला शामली के कस्बा कांदला में हैं। अभी 4 मई को नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। हम अभी कांदला के जो मेन बाजार है हम यहाँ पे हैं। बात करते हैं कि इस बार किस चेयरमैन का इस बार दबदबा रहेगा। जी आपका नाम नाम है। अच्छा, क्या लग रहा है अभी जो चुनाव है, माहौल बहुत गर्म हो रहा, जगह जगह पोस्टर भी लग रहे हैं। चुनाव तो हो ही रहा भाई। नहीं हो तो रहा, लेकिन क्या लग रहा, किसका माहौल है इस बार? बदलाव हो जाएगा भाई, बदलाव होना चाहिए, वही बात है। अच्छा, बदलाव की जरूरत है। हाँ। तो पिछले जो चेयरमैन था उसने कोई काम नहीं किया है या नहीं किया है? खास काम नहीं किया। अच्छा अच्छा, क्या क्या दिक्कतें होती है कांदले में यहाँ पे अगर आप रह रहे हो इतने समय से? आप कब से कांदले में रह रहे हो? कांदले में हूँ, पैदा भी यही हुआ भाई। अच्छा। हाँ। तो आपके हिसाब से क्या क्या दिक्कतें कांदले में हो रही थी यहाँ पे? दिक्कतें तो शुरू से आती है, बड़ी सरकार से होती आ रही भाई, और क्या, छोटे में ही क्या। अच्छा, और क्या। तो अभी बदलाव चाह रहे हैं आप? हाँ, बदलाव होना चाहिए भाई हर चीज का। जी आपका नाम? गुफरान। अच्छा गुफरान भाई, यही से हो आप कांदले से? अच्छा, क्या लग रहा चुनाव में इस बार? जो बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, बाबू फैसल है, नजमुल इस्लाम है, यूपी के लेवल पे अगर बात है दोनों में जो है मतलब गठबंधन है, लेकिन यहाँ पे गठबंधन नहीं रहा दोनों का, तो क्या लग रहा चुनाव में, किन मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार? फिलहाल देखो यहाँ पानी बहुत ज्यादा बढ़ता है। अच्छा, गंदगी बहुत है ज्यादा, सड़कें भी है टूटी हुई है अभी। अब नजमुल इस्लाम को सोच रहे हैं। अच्छा, नजमुल इस्लाम को चल रहा जाते। अच्छा अच्छा, पिछली बार यहाँ से कौन चेयरमैन थे? अजीब वाला। अच्छा, क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पे? काम तो क्या, लेकिन बदलाव सोच रहे हैं। अच्छा। बदलाव की तरफ चल जाए, दो योजना होगी ना उनके पास, इसलिए बदलाव की तरफ चल रहा है। अच्छा, आप क्यों पसंद कर रहे हो नजमुल इस्लाम को? क्योंकि मोबीन राणा भी, नरेश सैनी पिछले लगातार 4 बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमें लग रहा है विकास करेंगे, बहुत बढ़िया विकास करेंगे, पढ़े लिखे हैं। अच्छा, बहुत बड़े सज्जन आदमी है वो। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि इन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए, वो आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए? बिल्कुल मुद्दे ये होने चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए। अच्छा। पढ़ाई लिखाई का, पानी का, सफाई का, ये मुद्दे होने चाहिए, इन पे होना चाहिए चुनाव। नाम सर? सावन सैनी। किस किस के बीच होगा चुनाव भैया? एक तो नजमुल इस्लाम है जी। अच्छा, नरेश सैनी है, बाबू फैसल बेग है, ये भैया। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन आपकी पहली पसंद होगी? भाई हम तो नरेश सैनी के साथ में, बीजेपी के साथ में। अच्छा, बीजेपी के साथ हो नरेश सैनी के साथ। अच्छा, अगर बीजेपी के टिकट से कोई और लड़ता फिर? अच्छा, तब भी बीजेपी को। तो पुराने चेयरमैन ने विकास किया है नहीं किया है? अच्छा, कुछ नहीं। ठीक है, बाबू फैसल जीतते हैं। अच्छा, एक तरफा पुराने चेयरमैन का भी समर्थन उनको मिल गया है, जो बबले जो यहाँ पूर्व चेयरमैन थे उनकी वजह से ही जीतेगा, इसी वजह से जीतेगा। लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का क्यों फैसला लिया कि मतलब मुझे चुनाव नहीं लड़ रहा है, अगर वो अच्छा काम करते तो इस बार भी जीत सकते थे? वो अपनी अपनी राय होती है, कुछ उनका मशवरा हुआ, तज़किरा हुआ, अल्लाह की मदद की वजह से। अच्छा, वो तज़किरे में हानि हुई इसलिए उन्होंने बाबू फैसल को समर्थन दिया। पत्रकार रहमान सुलेमानी। अच्छा, पत्रकार साहब हो आप, क्या लग रहा है जी आपको इस बार चुनाव में कांदला का जो चुनाव हो रहा है? भाई कांदला के चुनाव में सभी प्रत्याशी अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ लगे हुए हैं। अच्छा, और सभी आप जिसके भी कार्यालय पर जाएंगे सभी अपने आप को अच्छी वोट से जीतने के जो है पक्ष में बताते हैं। तो बस अब तो जो है वोटिंग की डेट का इंतजार है और वो तो फिर जो है काउंटिंग ही बता पाएगी। लेकिन हाँ, ये है कि कांदले की कुछ स्थिति ऐसी है, कांदले के कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ कुछ प्रत्याशी बहुजन के भी हैं, कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ कुछ जो है बीजेपी के भी हैं, कमल के फूल के सिंबल के दीवाने इस बार लोग शहर के अंदर नजर आ रहे हैं। और कुछ ऐसा भी हो रहा है कि जो है समाजवादी पे भी है और शहर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पे जो है आपको नलके ही नलके देखने को मिल रहा। जी आपका नाम? आपका नाम? जितेंद्र चौधरी। अच्छा जितेंद्र जी, क्या लग रहा है चुनाव में, चुनाव है इस बार? ये चल रहा है अभी, तो देखो क्या होता है। अच्छा, नहीं चुनाव में तो 3 ही दिन बच गए हैं, ज्यादा नहीं है, सभी 1-2 दिन में हो ही जाएगा फैसला सब। अच्छा अच्छा, आपको लगा जो हाल में जो चेयरमैन थे उन्होंने कुछ विकास कराया है? हाँ, विकास भी करा। अच्छा, क्या, क्योंकि
ठीक रहे बस अपना और क्या। अच्छा नहीं, एक आम लोगों की बहुत सारी समस्या होती है कि खेल के मैदान की यहाँ पे दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही है, और सफाई का बता रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे भी, क्योंकि सफाई तो अभी लगातार हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है सफाई। वार्ड नंबर 17 से। अच्छा भाई साहब, इनके बाहर जो है बाबू फैसल। अच्छा कोई नहीं है, लेकिन फाइट में जो है नरेश सैनी है और बाबू फैसल है, तीसरा कोई नहीं। लेकिन गठबंधन था, वो गठबंधन क्यों टूटा? गठबंधन तो है बाबू फैसल वाला नलके से। नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था ना। तो 10,000 से ऊपर है जीत में बाबू फैसल इंशाल्लाह। लेकिन पीछे तो सारे नजमुल नजमुल कह रहे हैं, बस जो उसके करीब गए हैं शहर में देखो, जहाँ भी पब्लिक है, जहाँ भी कुछ है, सब बाबू फैसल का मामला है पूरे शहर। भाई साहब आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। आपका क्या कहना है इस बारे में जो भाई कह रहे हैं? बाबू फैसल होता है सारे साथी हो, 36 बिरादरी बाबू फैसल के साथ है, और क्या चाहिए। अच्छा 36 के 36। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकरम भैया जी। अच्छा क्या लग रहा है जी चुनाव आ रहे हैं इस बार, माहौल ज्यादा गर्म हो रहा है यहाँ पे? देखो माहौल ये है ऐसा है, कैंडिडेट तो तकरीबन 11 खड़े हुए हैं जी, और तकरीबन 4 लोगों के दरमियान में माहौल बना हुआ है, जो मेन कैंडिडेट है इसमें नरेश सैनी है, एक नजमुल इस्लाम साहब हैं, भाई मुबीन है, एक बाबू फैसल है, बाकी जिसको अल्लाह इज्जत दे। ये तो हर आदमी अपने जहन में अपने कैंडिडेट का नाम लिए बैठा हुआ है, और उस एतवार से वो बात कर रहा है, जैसे आप पीछे से करके आए होंगे। बहरहाल अल्लाह जिसको इज्जत देगा वो, मैं चाहता हूँ कि जो कौम की अच्छी रहनुमाई करे, कस्बे की अच्छी नुमाइंदगी करे, लोगों का साथ, अच्छा निज़ाम लेके चले, मैं चाहता हूँ ऐसा आदमी अल्लाह ताला चुन के लाते, जो यहाँ एक मिसाल बनी हुई है हिंदू मुस्लिम एकता की, उसको कायम रखे, कोई भी जीत जावे, सब जो भी जीतेगा वो इंशाल्लाह कस्बे के लिए कुछ ना कुछ बेहतराई करके लेके। अच्छा कांदले की एक सबसे मशहूर बात है कि ये जामा मस्जिद और मंदिर मस्जिद की एक दीवार है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कब से है, और कांदले में सुनने में आज तक झगड़ा भी नहीं हुआ है। जी जी जी, ये बहुत खूबी वाली बात है, एक तो बुजुर्गों के अल्लाह वालों की बस्ती है, दूसरी ये कि ये भी एक वाक्य पुराने दौर का है, अंग्रेज़ों के दौर का। ये इस मस्जिद के ताल्लुक से बहुत सारी रिवायतें हैं कि ये गैरों की जगह थी, मुसलमानों की नहीं थी, और इस पर झगड़ा था, अंग्रेज़ों ने कहा कि आप जो है मुसलमानों में से कोई इसका गवाह ला के दो कि जो ये कह दे के जगह मंदिर की है। तो इस पर एक मौलाना थे हमारे कांदले के बुजुर्ग, उन्होंने अंग्रेज़ का मुंह ना देखने की कसम खा रखी थी, तो उनको लाया गया और उस पर उन्होंने ये फैसला दिया कि हाँ ये जगह मंदिर की है। तो उस वक्त अंग्रेज़ ने ये कहा था कि आज मुसलमान तो हार गया लेकिन इस्लाम जीत गया, तो इस उनके इस फैसले पर जो है ये जगह मस्जिद के लिए दे दी गई थी। बहुत लंबी तफसील है इस वाक्य की, कभी सुनेंगे बुजुर्गों से तो पता चलेगा। मेरा नाम अब्दुल मुनीब है। अच्छा अब्दुल मुनीब जी कहाँ से हो आप? मेरा मकान ये है कांदले में, मेरा घर जो है बाईपास रोड पे। अच्छा आप बताइए कि अभी नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कौन जीतेगा, और आपके क्या मुद्दे होने चाहिए कि इन मुद्दों पर जो है कांदला में या अदर जो नगर निकाय के जो चुनाव है कि इन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए? एज ए रेस्पॉन्सिबल वोटर मैं कहना चाहूँगा कि कांदले के इतिहास में मुझे ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि 20 साल के करीब मुझे भी होता देखते हुए, कि कांदले में एजुकेशन में पहली बार बात हो रही है, और हमें एक एजुकेटेड अगर लीडर मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो उनके एजेंडे होंगे वो भी पढ़े लिखे होंगे, और कांदले इतिहास में मतलब जो कांदला जो है एजुकेशन के लेवल में बहुत पिछड़ा हुआ है, ताकि उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में बात कर रहे हैं नजमुल इस्लाम। मेरा तो सपोर्ट नजमुल इस्लाम को ही है। अच्छा अभी देखा जाए जैसे कांदला भी विस्तार होता जा रहा है, जगह जगह प्लॉटिंग हो रहे हैं, लेकिन एक प्लानिंग के तहत कुछ कॉलोनियां नहीं कट रही है, जिसको जहाँ जहाँ वहाँ पे प्लॉट लगाया जाए उसके लिए कि भाई एक कॉलोनी बन जाए उसके लिए पार्क होने चाहिए, या फिर रास्ता कूड़े का कि कहाँ कूड़ा डालना चाहिए, क्या उस तरीके से काम हो रहा है या अब आगे होगा? और नहीं अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर जो नजमुल साहब उन्होंने अपने एजेंडे में रखा है कि मतलब हम ये कूड़ा वगैरह जो है उसको मेंटेन करेंगे, जो पानी है उसके लिए हम किसी जो इंजीनियरिंग फर्म है उससे बात करेंगे, उससे नक्शा बनाएंगे कांदले का, और उसी के हिसाब से फिर जो है आगे काम करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि नजमुल इस्लाम जो है काम कर सकते हैं। अच्छा क्या लग रहा है चुनाव आ रहा है इस बार? चुनाव तो सही है, बढ़िया है। अच्छा नहीं बढ़िया तो है, लेकिन किस कैंडिडेट पे आप विश्वास जता रहे हो कि हमारे इस बार जो है कांदले का विकास करेगा, क्योंकि जो पूर्व चेयरमैन थे वो तो नहीं लड़ रहे हैं इस बार, क्या उन्होंने कुछ इस तरीके से काम कराया है, नए किस चेयरमैन आपको नई उम्मीद है? सब बढ़िया ही होगा, जो बड़े पहले थे वे भी बढ़िया थे। अच्छा अब जो आएंगे वे भी बढ़िया आएंगे, पर मेरी बस सिर्फ ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के
कि सबका भला हो, सबके कल्याण हो, ऐसे चेयरमैन मिले कांदला को जी। बस अच्छा आप ये बताइए और मेरी एक रिक्वेस्ट ये है जी कि वोट जो देनी वो पढ़े लिखे को देख के ऐसे को दो जो कांदले का चौमुखी विकास कर रहा था। अच्छा आपका नाम? अच्छा सलीम भाई क्या लग रहा है चुनाव, इधर का थोड़ा सा सलीम चुनाव आ रहे क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? बाबू फैसल जीतेगा। अच्छा बाबू फैसल जीत रहे हैं, लेकिन उनके उनका समर्थन जो है हाजी बबले ने भी उनको समर्थन दिया है, तो वो खुद क्यों नहीं लड़ रहे हैं? बस नहीं रहा था उनका रहता था लड़ाना बाबू फैसल। अच्छा तो आपको क्या लगता है कि हमारे जब बाबू फैसल अगर चेयरमैन बने तो क्या किन मुद्दों विकास होगा बढ़िया तरीके से? अच्छा अच्छा कांदले की मेन दिक्कत है क्या क्या है, आपको क्या लगता है कि ये हमारे कांदले की मेन दिक्कत है? भाई दिक्कत तो बहुत है, रोड की भी दिक्कत है, नाले की भी दिक्कत है, इंसान का सब काम होंगे। अच्छा ठीक है, अभी हम कस्बा कांदले में थे, यहाँ पे हमने ये मेन बाजार था, हमने यहाँ पे लोगों से बात की, सभी ने अब अपने तरीके से अलग अलग तरीके से राय रखी है। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।